तो दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर के बारे में कि कौन कौन से रिलेशनशिप बैंकर और कस्टमर में होता है, मतलब बैंक और कस्टमर में कौन कौन से रिलेशनशिप होता है, उसी के बारे में हम पूरा इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे जो मैंने पॉइंट दिया वो दिया है डेटर एंड क्रेडिटर का रिलेशनशिप होता है बैंकर और कस्टमर में, ठीक है। वेन अ बैंक इज डेटर, ठीक है, जब बैंक डेटर होता है तो क्या होता है, देखिए। When a customer deposit money in the bank become the debtor, ठीक है। जब आप पैसा अकाउंट में जमा करते हैं, मतलब बैंक में जमा करते हैं, तो बैंक उस समय पर डेटर हो जाता है। एंड द कस्टमर इज द क्रेडिटर, मतलब आप क्रेडिटर हो जाते हैं। द बैंक ओज द कस्टमर द अमाउंट डिपोजिट विच द कस्टमर कैन विदड्रॉ ऑन डिमांड ऑफ। होता क्या है दोस्तों कि इसमें कि जब क्या आप पैसा जमा करेंगे ना बैंक में, तो उसके बाद आप क्रेडिटर कहलाएंगे और बैंक उस समय डेप्टर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जब भी आपको डिपॉजिट की गई अमाउंट जरूरत होगी, जब भी आपको नीड होगी, तब आप निकाल सकते हैं बैंक से, ठीक है। व्हेन द बैंक इज क्रेडिटर, बैंक क्रेडिटर कब होता है, जब आपको लोन देता है, ठीक है। व्हेन अ बैंक प्रोवाइड अ लोन टू अ कस्टमर, द कस्टमर बिकम द डेटर एंड द बैंक इज द क्रेडिटर, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, कस्टमर उस पे वो हो जाता है, मतलब लाइबल हो जाता है कि उसको रीपे करना है लोन को फ्यूचर में अकॉर्डिंग टू द एग्रीड टर्म एंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टर्म एंड कंडीशन क्या होता है कि कितने टाइम तक आपको पेमेंट करना है, कितने इंटरेस्ट के साथ करना है, ठीक है। तो एक पहला क्या रिलेशनशिप हो गया डेटर एंड क्रेडिटर का। दूसरा क्या होता है दोस्तों, ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी का, ठीक है। एक ये भी रिलेशनशिप है। ट्रस्टी रोल ऑफ द बैंक क्या होगा, सेफ कस्टडी। इफ अ कस्टमर डिपॉजिट वैल्यूबल लाइक डॉक्यूमेंट ज्वेलरी और सिक्योरिटी इन द बैंक डिपॉजिट लॉकर फॉर द सेफ कीपिंग, द बैंक एक्ट एज ए ट्रस्टी। यहाँ पे दोस्तों ये बताया गया है कि आप क्या करते हैं, जब भी बैंक में जाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह, ज्वेलरी वगैरह या कोई भी प्रीमियम क्वालिटी के गुड्स और सर्विस रखते हैं अपने बैंक में, तो उस समय बैंक एज ए ट्रस्टी काम करता है, ठीक है। स्पेशल अकाउंट में क्या होता है, इन सम ट्रांजेक्शन सच एज ए रियल एस्टेट डील, द बैंक में एक्ट एज ए ट्रस्टी बाई होल्डिंग फंड इन द एस्को अकाउंट अंटिल द कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर मेट। बैंक क्या करता है, जो बड़े बड़े ट्रांजेक्शन होते हैं रियल एस्टेट में, जैसा कि आप सबको पता ही होगा, काफी बड़े बड़े अमाउंट का ट्रांजेक्शन, तो उस समय बैंक एज ए ट्रस्टी वर्क करता है, ठीक है। तो ये दूसरा रिलेशनशिप हो गया ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी का। तीसरा जो होता है दोस्तों, वो होता है यहाँ प्रिंसिपल एंड एजेंट का। बैंक क्या काम करता है, प्रिंसिपल और कस्टमर को एजेंट का काम करके देता है, ठीक है। कैसे देता है, बैंक एज ए एजेंट जब रहता है तो क्या करता है, पेमेंट सर्विस को ऑफर देता है और कलेक्शन ऑफ चेक। द बैंक एक्ट एज ए एजेंट व्हेन इट मेक पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, कस्टमर के बिहाफ पे पेमेंट करता है बैंक, ठीक है, जब वो एजेंट रहता है। चेक जो होता है, मैंने कस्टमर डिपोजिट अ चेक, द बैंक एक्ट एज द कस्टमर एजेंट टू कलेक्ट द फंड फ्रॉम द ड्रॉइ बैंक अकाउंट, मतलब कि ऑन बिहाफ ऑफ चेक, चेक जो होगा आपका, जैसे सपोज कोई चेक देता है, आप ले जाकर बैंक को देते हैं, तो आपके बिहाफ पे वो पेमेंट को कलेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये हो गया उसका एज ए एजेंट काम करना, कस्टमर एज ए प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल कैसे होता है कस्टमर, उसको भी देख लेते हैं। द कस्टमर एज द प्रिंसिपल गिव इंस्ट्रक्शन टू द बैंक द एजेंट टू कैरी आउट वेरियस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑन देयर बिहाफ। कस्टमर क्या करता है, बैंक को बोलता है कि एज ए एजेंट आप काम करिए मेरे लिए, मेरे बिहाफ पे सारे अमाउंट को डिपॉजिट करिए, जब मेरे को जरूरत हो तो पैसा दीजिए, या मैं चेक वगैरह ले आऊँ तो उसको इनकैश करिए, ठीक है, मतलब सारा काम करिए। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशनशिप। चौथा जो यहाँ पे होता है बेलर एंड बेली का रिलेशनशिप, ठीक है, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं कि करके। इसमें बोलता क्या है, व्हेन अ कस्टमर रेंट अ सेफ डिपॉजिट लॉकर इन द बैंक, दे डिपॉजिट देयर वैल्यूएबल विद द बैंक मेकिंग द बैंक द बेली, ठीक है। जब भी कस्टमर एज अ बेलर काम करता है, कस्टमर जो होता है वो बेलर होता है, वो क्या करता है बैंक में कोई भी डिपॉजिट वगैरह करता है, हर चीज करता है, उसको बोलता है कि आपको सेव करके रखना है, मतलब बैंक उस समय बेली होता है, जो सारे डॉक्यूमेंट होगा या डिपॉजिट होगा या लॉकर होगा उस सबको सेव करके रखेगा अपने पास। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितने भी है उसको कीप करके रखे, सेव करके रखे, ठीक है। पांचों और छठा जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, उसको भी एक एक करके रीड कर लेते हैं। लेजर एंड लेजी का रिलेशनशिप, एडवाइजर एंड क्लाइंट का रिलेशनशिप। सबसे पहले एडवाइजर और क्लाइंट रिलेशनशिप जान लेते हैं। इन्वेस्टमेंट सर्विस, बैंक ऑफ्टन एक्ट एज फाइनेंशियल एडवाइजर। बैंक क्या करता है, आपको फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में सलाह देता है कि आपको इतने अमाउंट जो है आपका, या फिर आपकी जितनी डिपॉजिट हो रही है, आपके आपके फाइनेंशियल मैटर, उस सारे पे आपको सलाह देता है कि आपको पेमेंट को आपको ऐसे रखना पड़ता है, कि आप अपना अमाउंट यहाँ इन्वेस्ट करिए तो इससे आपको ये फायदा होगा, वो फायदा होगा, मतलब सारी जानकारी आपको बैंक एज एडवाइजर आपको देगा, करना तो आप ही को है, ठीक है। यहाँ पर अगला पॉइंट लिखा है मैंने, वेल्थ मैनेजमेंट। फॉर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल बैंक ऑफन प्रोवाइडेड वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज, ठीक है। बैंक क्या करता है, आपको वेल्थ मैनेजमेंट करने के लिए सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। कैसे करता है वो भी हम लोग एक करके डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है फॉर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल बैंक प्रोवाइड वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज विच इंक्लूड पर्सनलाइज फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइस। क्या करता है, अगर आपके पास ज्यादा पैसा है, मोटा पैसा है, तो आपको एडवाइस करता है कि आपको यहाँ या अमाउंट को लगाना चाहिए, एडवाइस देता है कि आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे काम करता है, एडवाइजर एंड क्लाइंट के तौर पे।
लेजर एंड लेजी का रिलेशनशिप क्या होता है, बैंक एज अ लेजर जब होता है तो क्या करता है, और लेजी जब होता है क्या, व्हेन अ बैंक रेंट आउट टू अ सेफ डिपॉजिट लॉकर टू अ कस्टमर द बैंक बिकम द लेजर। ठीक है, जब बैंक आपको एक सेफ अकाउंट देता है या सेफ डिपॉजिट करने के लिए कोई लॉकर देता है तो उस समय बैंक क्या काम करता है, लेजर के लिए होता है। ठीक है, एंड द कस्टमर इज लेजी, जो कस्टमर उसमें रखता है वो हो जाता है लेजी। ठीक है, तो एक रिलेशनशिप को दर्शाता है, दिस रिलेशनशिप इज गवर्न बाई द लेजी एग्रीमेंट वेयर द कस्टमर पे रेंट फॉर द लॉकर। ठीक है, जैसे कि आप कोई ज्वेलरी रख रहे हैं तो आप क्या करेंगे, जाके लॉकर लेंगे, उसके बदले में कुछ अमाउंट देंगे आप उनको, साल का हो या महीने का हो। ठीक है, तो वही यहाँ पे बताया गया है। तो होप करता हूँ कि आपको 6 पॉइंट क्लियर हो गया होगा एक एक करके रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर में। अगर अब भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको जरूर गाइडेंस देने की पूरी पूरी कोशिश करते रहेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।